चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसान सम्मान निधि योजना मिली आपको? नहीं जी। वो तो कह रहे कि हम दे रहे किसानों को, भाजपा दे रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं मिली? वो मतलब ऐसा हो जा किसी की आ जा, कभी कट जा कभी आ जा। भाजपा काम बढ़िया लग रहे जो बहन जी चाह रहे? भोल वाला काली बढ़िया लग रहा, मजा नहीं आ रहा। क्या बात होगी, क्यों मजा गए कर रखे सारे को? अच्छा सारे को महंगाई आ रही, गरीब के खावेंगे। दबदबा किसका लग रहा है भाई, बाजी पलट जाएगी या वही रहेगी? हमारे क्षेत्र में तो भाई जयंत चौधरी का ही है। अच्छा, रोजगार मिल गया था? मैं रोजगार ना मिलो पर वोट रहेगी योगी की। अच्छा, ठल्ली रोजगार की के कमी है, बतेरे खेत अपना करू खाओ जाओगे, हम तो हमें रोजगार की जरूरत ना पहले थी नहीं भाई। पहले से तो बहुत महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, गैस कैसे मिला और किचन का सामान लाना पड़ा, कितनी महंगाई हो रही है उसमें? बहुत ज्यादा बढ़ रही। सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी बागपत लोकसभा सीट के ककड़ीपुर बस अड्डे पर है और हम बात करें तो ये दिल्ली सहारनपुर रोड है, यहाँ से सीधा शामली जाते हैं। और हम यहाँ के सांसद की बात करें, बागपत लोकसभा से भाजपा सांसद है डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। हम अभी इलेक्शन के बारे में लोगों से बात करेंगे कि इस बार उनका क्या मानना है, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के बारे में। नमस्कार बब्बा जी। नमस्कार जी, आपका नाम? राजकुमार। अच्छा राजकुमार जी, इलेक्शन आ रहे, क्या लग रहा है आपका? मतलब जो चल रहा वही चल रहा है बस, भाजपा ही आवेगी। अच्छा, क्यों लग रहा है भाजपा आवेगी? लग रहा है जी बस, सब राशन पासन दे लग रहे, सारी पब्लिक अपनी दब कर रखी। अच्छा, राशन की वजह से हो रही? राशन की वजह से नहीं, वो काम की वजह से भी हो रही, रोड पोड सारे काम बढ़िया हो लग रहे। अच्छा भाई, ये काम है और नहीं? और क्या काम हो जी? आप काम क्या करते हो वैसे? आप काम क्या करते? हम तो खेती कर रहे हैं जी। अच्छा, कल बजट भी आया तो लगा कुछ, क्या हुआ कुछ किसानों के बारे में? बजट बजट का हमने तो पता नहीं जी, ना हम ऐसा टीवी पी भी देखते, बजट भी टीवी में ही आता होगा, उसमें ही बताया होगा कुछ, इस बारे में हम नहीं कह सकते जी। किसान सम्मान निधि योजना मिली आपको? नहीं जी। वो तो कह रहे कि हम दे रहे किसानों को, भाजपा दे रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं मिली? वो मतलब ऐसा हो जा किसी की आ जा, कभी कट जा कभी आ जा। अच्छा, तो आपकी आई है एक बार? आई एक दो चार आई। अच्छा, फायदा मिला उसका कुछ? हाँ, कितना? अपना खाद बात खरीद लिया। अच्छा, डीएपी का खाद कट्टा भी महंगा हो गया, सारे काम हो गए, ऐसा कुछ? बिजली महंगी कर दी किसानों के नाम की? हाँ बिजली महंगी है। तो 3,000 तो वहाँ निकट गए? 3,000 तो निकट गए, आपकी बात सही है। फिर क्या करा आप आज मना किसानों के लिए? मुझे हमें तो नहीं पता, अभी उसमें सपा सरकार में या सड़क पेड़ वेड़ कटवा दिए सब खा गए उन्होंने, सड़क बनवा दी मार लिया तो यह बढ़िया। अच्छा, सड़क मेन मुद्दा है आपके लिए? मेन मुद्दा मार लिया तो यही था, गड्डू मकू जहाँ थे बड़ोद जाने में 2 घंटे लगे थे, जा ले 20 मिनट में। जी भाई साहब, आपका नाम? राजू शर्मा। अच्छा शर्मा जी, क्या लग रहा चुनाव आ रहे? चुनाव चुनाव तो भाई निकल रहेगा, जोर सुबह चल रहा भाजपा का? हाँ क्यों? अब बढ़िया काम कर रही सरकार। क्या क्या बढ़िया कर रही है थोड़ा बता दो। कर रही बस, हर सुविधा दे रही किसानों को, दे रही गरीबों को, दे रही हर काम, गुंडा कर दी खत्म कर दी, सब काम हो गए। और बताओ थोड़े से कुछ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, करवा दी मैं। बढ़िया चल रहा, एक नंबर का जी। आपका नाम? इंदरपाल। इंदरपाल जी, क्या लग रहा चुनाव है? हाँ, चुनाव में क्या लग रहा है इस बार कौन सी सरकार आओगी? सरकार तो हम चाह रहे मोदी की, उसकी आ जा मायावती की। अच्छा हाँ, ये तो कह रहे भाजपा की आवागी, मोदी मायावती की चाह रहे हम तो आ जा। अच्छा, बहन जी को क्यों पसंद कर रहे हैं इतना? बहन जी बढ़िया काम करेगी। अच्छा, लेकिन बहन जी तो कई दिन तक साइलेंट है, कुछ बोल ही नहीं रही। बताओ और क्या कह सके हम। अच्छा, भाजपा काम बढ़िया लग रहे जो बहन जी चाह रहे? भोल वाला काली बढ़िया लग रहा, मजा नहीं आ रहा। क्या बात होगी, क्यों मजा? महंगाई कर रखी सारे को। अच्छा, सारे को महंगाई आ रही, गरीब के खावेंगे। तो कह रहे हम तो राशन दे रहे सबको, घर भी दे दिए, घर का किसे दे दीजिए? कह रहे हैं वो सबको 2 करोड़ घर दे दिए, 5 करोड़ घर किसी को भी दे, हमारे गाँव में तो एक को भी दिया। अच्छा मिला नहीं? अच्छा, महंगाई तक किस तरह परेशान हो रहे आम आदमी? थोड़ी उसमें महंगाई आ रही है। अच्छा, सब्जी में भी, अनाज में भी, बताओ गंडा महंगा कर दिया और क्या रहेगा, गरीबों का क्या है, गरीबों का तो खाना ही है। और बताओ बहन जी को दे रहे इस बार? बहन जी को कह जो संबंध करवा को सही दे देंगे हम तो। हाँ जी, आपका नाम? रमेश कुमार। अच्छा रमेश कुमार जी, चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार? चुनाव तो खुशहाली की चीज़ है जी, चुनाव तो होएगा होगा, लेकिन दबदबा किसका लग रहा है भाई, बाजी पलट जाएगी या वही रहेगी? हमारे क्षेत्र में तो भाई जयंत चौधरी का ही है। अच्छा, और बाकी और जगह मोदी जी का है। अच्छा, और
और जगह मोदी जी है, क्या कारण है इधर जैन जी है और जगह मोदी जी है? भाई यहाँ तो चौधरी साहब का ही इलाका है, ये यहाँ जो सामने सामने जो बस चौधरी साहब का ही इलाका है यहाँ। अच्छा, काम कैसे लग रहे हैं वैसे जो अभी सत्ता में सरकार है, काम कैसे लग रहे हैं? काम ठीक कर रही है सरकार, काम की कोई नहीं, रोड भी बन रही है, बिजली भी सही आ रही है, वैसे काम तो विकास तो हुआ है। अच्छा, लेकिन विकास की हम बात करें, आप कह रहे हो यहाँ पे विकास हुआ है, लेकिन अगर भुखमरी की स्थिति देखें तो 161वें स्थान पर है पाकिस्तान, बांग्लादेश की स्थिति भारत से बहुत बढ़िया है, उस बारे में क्या कहोगे आप? नहीं, वो भारत तो खैर अच्छी स्थिति में है और देशों से, इस बारे में तो देखो मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी तो बात नहीं, हमारा इंडिया ठीक है, भुखमरी तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा, जो कर्जा बढ़ा देश पर, कर्ज हुआ 1,64,000 करोड़ जो है देश पर कर्ज हो गया, और जब कांग्रेस सरकार थी 2014 में तो सिर्फ 64 लाख कर्जा था भारत पे, तो 1,00,000 करोड़ कर्जा बढ़ा दिया है, बढ़ गया है सरकार। भाई इतने ज़्यादा हमें जानकारी नहीं, लेकिन हमें तो ये पता, देखो जो विकास हुआ है यहाँ पे रोड में, इसमें गड्ढे थे यहाँ पे। अच्छा, चलने लायक नहीं थी, आज देखो रोड कैसे फर्स्ट क्लास रोड है, एक देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है, शामली में बाईपास बन गया, वहाँ भीड़ रहती थी। जी बाबा जी, आपका नाम? मेरा नाम है शिव कुमार। अच्छा जी, कहाँ था वो? अगड़ीपुर। क्या लग रहा है चुनाव? अरे चुनाव हो गए, पिल्सन मेरी फरवरी में आई थी, फरवरी हुई तो पिल्सन ही नहीं आई वृद्धा। अरे तो कह रहे काम कर रहे हम सब काम, जी भाई नहीं दिलो। हाँ काम बढ़िया लग रहे हैं। हाँ काम बढ़िया लग रहा है, काम तो भेजा पिल्सन आई नहीं, अद्दू भी जादू की मेरी मोदी धोरे लो पूछा ही नहीं बात, तुमने पिल्सन काट दी मेरी। मैं लखनऊ के रहता 10 सेंटर पे, फिर हम कहते हो जाएगी समस्या, समस्या हुई नहीं। अटाणी के पास जाना पड़ेगा जी, होगी समस्या बोलने जाता। हम तो मजदूर आदमी जी ना, हमारे पास जमीन है और हमारा राशन कार्ड काट दिया। अच्छा, जैसे आपने मजदूरी की, मजदूर आदमी कह रहे हो, हम पहले किचन का खर्चा काफ़ी सस्ता पड़ता था, लेकिन अब किचन का खर्चा काफ़ी बढ़ा दिया, जैसे हम तेल की बात करें, आटे की, चीनी की, लगातार पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक आम आदमी कैसे गुजारा कर पा रहे हैं? देखो जी, महंगाई तो है ही, सिलेंडर भी महंगा है, पहले 400-500 रुपये का सिलेंडर आ जाता था, अब फिलहाल 900 रुपये का ले रहे हैं, तो महंगाई तो है ही। जी आपका नाम? महक सिंह। महफिल? महक सिंह। महक सिंह। अच्छा, महक सिंह कहाँ से हो? यहीं से हो? हाँ, ककड़ीपुर से ही। कब से कर रहे हैं आप ये? 2 साल हो गए मुझे। अच्छा, कुछ बचत आ रही नहीं? बस बचत कुछ तो नहीं है, गाँव के लोग ज़्यादातर उधार ले हुए हैं यहाँ। अच्छा, इस वजह से थोड़ी परेशानी, और तो कोई बात नहीं, ठीक है वैसे तो। सरकार कैसा काम कर रही है? बस सरकार तो ठीक काम कर रही है। अच्छा। और होने भी चाहिए, और बस परेशानी इस बात की गरीब लोगों के लिए रोजगार, अगर रोजगार हो तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इससे भी ज़्यादा महंगा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बाकी रोजगार नहीं गरीब लोगों के लिए और किसानों के लिए हर चीज़ की सुविधा। अच्छा। जमीन पर भी ने हर साल वो देवे लोन, लोन भी फिर हर साल हर 6 महीने वो भी तो देवे ना, 6 साल वो सम्मान निधि। हाँ सम्मान निधि। तो आप जैसे ठेली लगाते हो, ये मतलब रोड के दुकान लगाते हो, तो आपके लिए कुछ योजना नहीं है इस तरह की, कुछ निकाला है नहीं है? नहीं, हमें तो कोई योजना से फायदा नजर नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा, बदलोगे या यही रखोगे सरकार? बस देखो वैसे हिसाब से देखते हुए तो सरकार तो रहनी चाहिए यही। अच्छा। बाकी महंगाई ज्यादा। क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? अरे बस जी, अरे योगी सरकार आओगी वोट देंगे, योगी की कुछ हो जाओ, योगी के बाद कुछ हो जाओ, फैन है उसके। नहीं, फैन कुछ तो बात होगी भाई, जैसे सलमान खान है उसकी बॉडी के फैन है, शाहरुख खान है। सलमान खान के फैन बिल्कुल नहीं है। नहीं, जब फैन होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से। तो योगी में क्या बात है? कट्टर हिंदू। अच्छा, कट्टर हिंदू मतलब हिंदू तो अखिलेश भी है, बहन जी भी है, वो मुसलमान, राहुल गांधी भी है। अरे मुसलमानों का फैन तो नहीं, वो जयंत भी है। हिंदू का मतलब कट्टर हिंदू का मतलब से क्या मतलब है, क्या लगता है कट्टर हिंदू? अरे भाई सनातन धर्म आ गया। अच्छा, हाँ तो हिंदू रहते ही सनातन धर्म आ गया। अच्छा, हाँ सनातन धर्म कहाँ तो था, कहाँ बने ही रहेगा अगर योगी रहेगा तो? आने वाले भारत हिंदू राष्ट्र है और सनातन धर्म अमरीका में ले आओ भाई। हिंदू राष्ट्र? हाँ हिंदू राष्ट्र बना रहे हो? हाँ, क्या फायदा होगा हिंदू राष्ट्र बनने से? अरे हम हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनने तो अपने देश में रहेंगे। और अभी कहाँ जा रहे हो आप भाई? तो कई बरा कहाँ चले जाए टाइम का कुछ पता नहीं। अभी तो आप यहीं रह रहे हो ना, पिछले भाई 47 में देश आज़ाद हुआ था तब से यहीं रह रहे हो, कहाँ गए थे?
भाजी तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा। उस तो बाद की पूछ कुछ। खतरा है हिंदू को इस देश में? किस वजह से, किससे खतरा है? हमारी तरफ से तो वोट योगी की रहेगी। रोजगार मिल गया था मैं? रोजगार ना मिलो पर वोट रहेगी योगी की। अच्छा। ठल्ली रोजगार की के कमी है, बतेरे खेत है अपना, करू खाऊ जाओगे हम तो, हमें रोजगार की जरूरत ना पहले थी ना ही भाई। अच्छा। खेत है वहीं करू जाओगे, बता 370 वहा हो गया घंटे का, 20-30 और बढ़ जाएंगे छुट्टी। हमें क्या जरूरत है रोजगार की? जमीन जो हाईवे में कटा लग रही, हाईवे में और फायदा है उसके, 5 गुना दाम मिल ले, 5 लाख की 25 में बिखरी। 10 साल में पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? 10 साल में क्यों पैसे खत्म, 20 साल में खत्म हो जाएंगे। अरे 25 लाख रुपए की फिर अटका, 5 की रेट पर दूसरी जमीन खरीद देंगे, खत्म तो हम करेंगे जी बोगे। अगर या सरकार हमारा 3 सूत्र का प्रैक्टिकल करके दिखा देना, या महंगाई जो आसमान को छूरी धरती पे ऐसे लुढ़ गई कि राम राज तब नीचा सस्ता हो सकता है। कैसे सूत्र? एक तो जो समुद्र का बना नमक है, नून कहे थे जिसे, वही जो है वो लागू कराया जाए, और जो केमिकल बन गए आयोडीन मिल गए यो ख़त्म कराया जाए। अच्छा। सबसे पहली बात तो इस पर रोक लगाई जाए और वो नमक लागू कराया जाए, और कुछ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं और भी और हैं, इनको भी अपने आप पे इस बात का संयम रखना पड़ेगा कि हमें इस देश की सेवा करनी, ताकि हमें सब कुछ ना खाना, इस देश की सेवा करनी तो इस पर कवर हो सकता है। बहुत सारा विपक्ष है, बहुत सारे लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का फायदा करती है, एक गरीब आदमी है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बस हमारा तो यही है इस बारे में, अगर गरीब लोगों को रोजगार दिया जाए, हिल्ला भी मिल जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम? अंजू। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव आ रहे हैं? आपका भी बहुत बड़ा आपका योगदान है इस देश में, आधी आबादी है आपकी भी, चुनाव में क्या लग रहा है? सबकी खुशी हमारी, हमारी खुशी। अच्छा, महंगाई किस तरीके से, बस आप घर का खर्चा चलता है किस तरीके से चला रहे हो इस बार? महंगाई पहले के मुकाबले बढ़ती जा रही, पहले से तो बहुत महंगाई बढ़ रही है अब। अच्छा। गैस कैसे मिल रहा और किचन का सामान लाना पड़ा, कितनी महंगाई हो रही है उसमें? बहुत ज्यादा बढ़ रही। अच्छा, ज्यादा बढ़ रही। तो पहले के मुकाबले महंगाई हुई है या कम हुई है? नहीं, महंगाई पहले से ज्यादा है, पहले से ज्यादा महंगाई है। हम अभी बागपत लोकसभा सीट के गांव कगड़ीपुर अड्डे पर थे, यहां पे हमने गांव के लोगों से बात की, सभी लोगों ने अपनी राय रखी। जुड़े रहे सीसीसी यूपी से, खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। हो गया।